स्वागत आपको मेरे एक और नई वीडियो में। और आज आप मेरे चैनल पर देखने वाले होंगे एक और बार मैं एनिमे रिव्यू कर रहा हूँ। और पिछली बार का एनिमे रिव्यू मैंने किया था सेवन डेडली सिंस, इस बार मैं कर रहा हूँ फूड वॉर्स का। फूड वॉर्स एक अनोखा एनिमे है, फूड वॉर्स नाम से पता चल रहा होगा। इसमें कुकिंग के बारे में बताया गया इस एनिमे में, और सिर्फ कुकिंग तक ही लिमिटेड नहीं रहता ये, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें, जैसे कि इसमें शोकोगेकी एक होता है, सब देखोगे तो शोकोगेकी ऐसे उसका जापानीज नाम है फूड वॉर्स का, शोकोगेकी नो सोमा। शोकोगेकी मतलब दो शेफ के बीच में लड़ाई होता है। और इसमें ना अपना मेन कैरेक्टर है युकिहिरा सोमा, जो कि एक शेफ बनना चाहता है और अपने बाप को हराना चाहता है, अपने डैड को हराना चाहता है, क्योंकि वो उसके साथ ही एक वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो उसका जो डैड है उसके, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं, तो उसको वो हराना चाहता है। फिर एक दिन वैसी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन ऐसे शुरुआत में दिखाते हैं कि दोनों बाप बेटे के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। फिर वो उसका बाप जीत जाता है एज यूजल, क्योंकि फिर हमको पता चलता है कि वो हमेशा से ही हारते रह गया अपने बाप से। लगभग 497 बार वो हार चुका है, 400 बार उन्होंने मैच खेला है और 400 बार वो हार गया लगभग 400। ठीक है, तो वैसी ना फिर एक हमको पता चलता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर आई है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो ऐसे वो चाहती है कि वो अपने रेस्टोरेंट खाली करे, क्योंकि उनको वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना है। फिर वो बिल्डिंग बनाने के लिए फिर चक्कर में थोड़ा कुछ होता है झगड़ा वगड़ा। फिर उसके बाद ना उसको फिर वो लोग चैलेंज करते हैं, तुम ना ये बना के दिखाओ, फिर हम इसे ये चीज़ खाने का कुछ भी चीज़ बना के दिखाओ, फिर हम इस जगह को रेस्टोरेंट को छोड़ देंगे। फिर वो उन्होंने बोला था कि कुछ मीट मांस नॉन वेजिटेरियन बनाना है, और उनके घर में से ना सारे नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को हटा दिया गया था, मतलब बर्बाद कर दिए थे उन लोग, क्योंकि वो युकिहिरा जो अपना मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट वो कहीं गया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे करो, फिर मीट वो बना के दिया। अब वो मैं नहीं बताऊँगा कि वो कैसे बना के दिया, वो आप लोग खुद ही देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, और यहाँ पर जो कुकिंग का जो उसमें दिखाते हैं ना कि कैसे बनाता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बहुत मज़ा आता है उस एनिमे को देखने में। और हाँ, सोनेन एनिमे, सोनेन का मतलब इसमें अलग अलग आर्क्स होते हैं, और इसमें एक्शन कॉमेडी, एक्शन नहीं एडवेंचर कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का है। तो बहुत अच्छा एनिमे है और मज़ेदार है, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है इसमें, कॉमेडी बहुत सारे है इसमें, और तो देखना तो है भाई। और हाँ, एक और बात, इस एनिमे में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो जिनको गर्ल्स एनिमे देखना ज़्यादा पसंद है तो वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि हेंटाई और एनिमे ये मिक्स है, पूरा मिक्स सम एक साथ मिक्स कर दिया है इसमें। तो जिनको हेंटाई भी देखना पसंद है और थोड़ा बहुत ऐसे एनिमे का भी स्वाद आ जाए ऐसा वाला एनिमे पसंद है, तो ये पहला एनिमे जो कि मैंने ऐसे टाइप का देखा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं मतलब मिक्सड अप वाला है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।